हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बस कैसे हैं आप लोग? और यहाँ पे सुबह सुबह का नाश्ता बन रहा है, और बस यहाँ पे जो है कि आज मैं बेसन के चीले बना रही हूँ नाश्ते में। तो बस चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से बनाए जाते हैं। और ये मैं सेकेंड टाइम ट्राई कर रही हूँ, ट्राई नहीं बना रही हूँ, ट्राई तो मैं पहले कर चुकी हूँ। और बस यहाँ पे देख लीजिए, मैंने सारी सब्जियाँ ले ली हैं। आपके पास जो जो है सब्जियाँ वो आप ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे मिर्च ली है, टमाटर लिए हैं, मैंने प्याज लिए हैं, गाजर ली है, शिमला मिर्च ली है, धनिया लिया है। और अगर आपके पास सारी सब्जियां जो भी हैं अभी इस सीजन की, तो वो सारी सब्जियां आप ले सकते हैं। और ये बहुत ही टेस्टी लगता है ये वाला चीला। तो पहले बस इसको, सारी सब्जियों को हमें कट कर लेना है बिल्कुल बारीक बारीक सा, ताकि ये चीला हम बनाएं ना तो अच्छे से ये सिक जाए, गल जाए अच्छे से। और इसको हमें एकदम स्लो फ्लेम पर बनाना है। तो बस इसके बाद में देख लीजिए, यहाँ पर मैंने सारी सब्जियाँ कट करके रख ली थी, उसमें मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। उसके बाद में बस यहाँ पर मैंने जो है कि 4 से 5 चम्मच मैंने यहाँ पे बेसन के लिए हैं। तो बस मैंने इसमें जो है कि बेसन इसमें ऐड कर दिया है। और बस इसमें थोड़ा सा टेस्ट और बढ़ाने के लिए मैंने लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा मैंने अजवाइन भी क्रश करके डाल दिया था अपने हाथों से मसल के। तो आप इसमें जो है कि कुछ भी डाल सकते हैं अपने फ्लेवर के लिए। इसमें गरम मसाला ऐड कर सकते हैं, इसमें और भी सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं, है थोड़ा सा हम इसमें नींबू का रस ऐड कर सकते हैं। तो जो भी जैसा भी फ्लेवर आपको पसंद है वैसा ही आपको कर लेना है। तो मैं सिंपल बना रही हूँ, और ये थोड़ा सा मुझे जो है कि डाइट के लिए बनाना है अपने। तो बस यहाँ पे जो है कि बस अभी मैंने एक पैन में हल्का सा ऑयल लगाया है, ग्रीस कर लिया है मैंने, बिल्कुल ज़्यादा सा ऑयल नहीं आपको लगाना है, बिल्कुल हल्का सा ही लगाना है। और उसके बाद में मैंने इसको स्प्रेड कर दिया है बैटर डाल के। और ये देख लीजिए, इसमें बिल्कुल भी मैं ऑयल का इस्तेमाल नहीं करूँगी, बस ये था कि मुझे नॉनस्टिक पैन पे अगर आप बना रहे हो तो उसमें फिर ऑयल ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा जो नॉनस्टिक पैन है ना, हल्का सा ख़राब हो गया है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे ऑयल ऐड करना पड़ता है। तो बस यहाँ पर ये देख लीजिए, तो मैंने हल्का सा ही ऑयल लगाया था और ये एक तरफ से बहुत अच्छे से सिक गया है, तो मैंने इसको फ़्लिप कर दिया है। और अभी मैं दूसरी साइड से भी इसको सेक लेती हूँ, जो हमने इसके अंदर सब्जियाँ डाली है ना वो भी अच्छे से पक जाएंगी। तो एकदम स्लो स्लो फ्लेम पर हमें इसको पका लेना है। इसमें मैंने टमाटर भी ऐड किए थे देखो, तो आपको जो फ्लेवर पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हो, जैसा भी आप खाना चाहते हो, खट्टा मीठा तीखा जैसा भी आप खाना चाहते हो। तो बस यहाँ पे देख लीजिए, मेरा एक चीला बन के तैयार हो गया है। तो अभी मैं और भी चीले अपनी बना लूँगी, और इसके साथ में आप टमाटो केचप ले सकते हैं, इसके साथ में आप चटनी बना सकते हैं, टमाटर हरी मिर्च जीरा वगैरह डालकर जो बनाई जाती है चटनी, वो भी आप बना सकते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे पहले मैं सोच रही थी कि टमाटो केचप के साथ खा लूँ, लेकिन जो है कि फिर मैंने इसके साथ में चटनी बनाई थी। और इसी के साथ में मैं कुछ नाम भी ले लेती हूँ आप लोगों के, जो कि मैंने इंस्टाग्राम से निकाले हुए हैं, और मुझे काफ़ी टाइम से बोल रहे थे और कुछ लोग तो मुझसे नाराज़ भी हो गए हैं। तो ये देख लीजिए, सबसे पहले तो मैं नाम लूँगी मिनी का, जो कि 8 ईयर्स की है, और वो मुझे खाला बोलकर बुलाती है, मतलब कि मुझे बुलबुल खाला बोलती है। तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो 8 साल की है, और हेलो मिनी, कैसी हो बेटा? यहाँ पे जाके एक हिना कुरैशी हैं, उनका 24 नवंबर को बर्थडे था, लेकिन मैं उनको विश नहीं कर पाई तो वो मुझसे नाराज़ हो गई हैं। तो हिना कुरैशी, आप ऐसे मत नाराज़ हुआ कीजिए, क्योंकि देखो हमारे पास काफ़ी सारे काम होते हैं, और कभी कभी हम ऐसा होता है कि हम भूल भी जाते हैं। तो उसके लिए सॉरी, जो कि मैं आपको लेट विश कर रही हूँ, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, ठीक है? और नेक्स्ट टाइम से मैं आपका बर्थडे नहीं भूलूंगी इंशाल्लाह। और यहाँ पे कुछ नाम और ले लेती हूँ मैं। ये शाहीन खान है, ये भी अपना नाम लेने के लिए बोल रही थी, और उसके बाद है एजाज असलम, महनाज खान। तो ये कुछ नाम थे जो कि मैंने लिए हैं अभी, और किसी के नाम अगर रह गए हों तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बता देना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उनके नाम ले लूँगी। तो यहाँ पे जो है कि हमारे चीले और चटनी बनके तैयार है, तो बस अभी हम इसको खाएंगे, टेस्टी टेस्टी सा नाश्ता। और ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होता है, तो आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं अपने घर पर।
हाय, सो आज मैं आप लोगों को कुछ दिखाने वाली हूँ जो कि आप लोग काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे थे कि आपने जो अपने भाई के रिसेप्शन में जो ड्रेस पहना था वो कहाँ से लिया था और वो कितने में लिया था, उसकी प्राइस क्या है, उसका फैब्रिक क्या है, उसका कलर क्या है, सारी चीज़ें, क्योंकि आप लोगों को वो ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और मेरे इतने ढूंढने के बाद मुझे ये ड्रेस पसंद आई। तो मुझे जब पसंद आई तो आप लोगों को भी पसंद आई है। देखो, चीज़ें हमें खुद को पसंद आनी चाहिए ना कि दूसरों को, ठीक है। मैंने अपनी चॉइस से ली थी लेकिन घर में जब मैं लेकर के गई तो मेरे भाई को पसंद नहीं आ रही थी। बॉबी भाई को कहने लगे थे पता नहीं ये कैसी लग रही है, कलर अच्छा नहीं है। तो फिर मुझे पसंद आ रही थी तो इसलिए मैंने जिद करी कि भाई मुझे तो पसंद आ रही है, ठीक है ना, मुझे पहनना है, आपको नहीं पहनना है। तो इस तरीके से हम दोनों भाई बहनों में ऐसे ही होता रहता है किसी भी चीज़ को लेकर के, क्योंकि वो मेरे दोनों भाई जो है ना कि मेरे ड्रेसिंग सेंस को लेकर के थोड़ा सा रहते हैं कि हमारी बहन अच्छी लगे तो वो थोड़ा सा क्या है ना, मैं अभी कोई भी कुर्ती या कोई भी सूट अगर पहन दिया ना तो वो हमेशा सजेस्ट करते हैं कि नहीं हाँ ये वाली चीज़ अच्छी लग रही है तेरे ऊपर। मतलब बचपन से ही, अभी से नहीं, बचपन से ही वो मेरे ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है उनको कि हमारी बहनें अच्छी दिखें या कुछ भी, तो बस इसलिए वो मेरे कपड़ों को देखते हैं और कहते हैं हाँ ये चीज़ अच्छी लग रही है तेरे ऊपर, क्योंकि मैं भी हमेशा उनसे ही पूछती हूँ कि भाई ये अच्छा लग रहा है मेरे ऊपर, ये वाला कैसा लग रहा है। तो इस तरीके से रहता है भाई बहनों के बीच में, ठीक है। मेरे दोनों ही भाई एक जैसे ही हैं, वो भी मुझे हमेशा सजेस्ट करते हैं कि हाँ ये चीज़ सही लगती है तेरे ऊपर। तो इसीलिए तो मैंने ना इतनी मेहनत की है आप लोगों को दिखाने के लिए। मैंने जो ड्रेस थी ना वो अलमिरा में तो बनने वाली नहीं थी क्योंकि और भी एक्स्ट्रा कपड़े रखे हुए हैं मेरे, तो इसलिए मैंने रख दिया था बेड के अंदर। जो मेरे भाई भारी भारी ड्रेसेस हैं ना, जैसे कि इनके कोट पैंट वगैरह हैं और सारी चीज़ें हैं जो शादी की रखी हुई हैं, और हमारी भी जो लहंगा वगैरह है तो वो मैंने बेड में डाले हुए हैं सारे। गद्दा इतना ज़्यादा भारी है ना, पहले इसको हटाना पड़ता है, फिर उसके बाद में जो सामान है वो निकालना पड़ता है, तो ये चीज़ रहती है। तो मैंने मेहनत की है इसके लिए, एक लाइक तो ज़रूर बनता है मेरी मेहनत के लिए, है ना। तो यहाँ पे जो ट्रॉली बैग था ना मेरा, मैंने इसी के अंदर सारे जो हैवी अभी जो मेरी ड्रेसेस है ना वो मैंने इसके अंदर रखे हुए हैं, और ट्रॉली बैग को मैंने इसके अंदर रख दिया है। तो मैंने बड़ी मशक्क़त के बाद भाई ड्रेस निकाला है, तो ये देख लीजिए। दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को, बैक कैमरा करके दिखा देती हूँ, है ना। तो ये है मेरी रिसेप्शन वाली ड्रेस जो कि मैंने भाई के रिसेप्शन में पहनी हुई थी, और ये है इसका जो डिज़ाइन है ना, मुझे इतना ज़्यादा यूनिक और ऑसम लगता है ना ये लीव्स वाला डिज़ाइन जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, और थोड़ा सा यूनिक भी लगता है। हालांकि इसमें सीक्वेंस वर्क भी है साथ में, लेकिन बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है, और ये डिज़ाइनर ड्रेस है जो कि मैंने ईशा बुटीक से ली थी जो कि ग्वालियर में है नई सड़क पे। तो मैंने बता दिया आप लोगों को, ये कोई प्रमोशन नहीं है लेकिन जब आप पूछ रहे हो तो मैं बता रही हूँ, ठीक है। और वो डिज़ाइनर, सॉरी, बुटीक है वो, तो वहाँ पे जो है कि कपड़े डिज़ाइन करते हैं। तो इसके बारे में आगे मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊँगी, पहले आप लोग ड्रेस देख लीजिए कि किस टाइप से है ये। और ये नेट में बना हुआ है, इसका फ्लेयर इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, बहुत ज़्यादा। और ये देख लीजिए इसमें कितने लेयर लगी हुई हैं, 1, 2, ये 3 है, उसके बाद ये 4 कैन, और उसके बाद ये पांचवा अस्तर लगा हुआ है इसके अंदर। मतलब पांच पांच लेयर दी हुई हैं इसके, तो इससे जो है कि ना इसका लुक बहुत अच्छा आता है। तो ये देख लीजिए,
तो ये है इसका बैक डिज़ाइन, इस पे भी लीव्स बनी हुई हैं और ये है इसका फ्रंट। तो ये जो ड्रेस था ना, मुझे एक बार में ही पसंद आ गया था और वहाँ पे काफ़ी सारे ड्रेसेस लगे हुए थे हैंगर में, तो वहाँ से मैंने पसंद किया था ये, तो मुझे अच्छा लग रहा था। और वैसे तो मैं सोच रही थी कि चलो नॉर्मल सा लग रहा है, लेकिन जब मैंने उसको पहना ना, तब मुझे बहुत ज़्यादा औसम लगा था ये, बहुत ज़्यादा प्यारा। और इसका जो कलर है ना, हल्का प्याजी सा कलर जो होता है ना, प्याजी कलर है ये इसका बैक है। और ऊपर वाला तो प्लेन दिया गया है, प्लेन इस पर कढ़ाई दी हुई है, लेकिन अंदर जो इसमें है ना, इसमें इस टाइप की चुन डाली हुई है, ये देख रहे हो ना, बस चुन चुन सी दिख रही है ना, एक सीधी सीधी पट्टी काट करके चुन डाली गई है ऊपर, यहाँ से यहाँ तक बस। तो इससे फ्लेयर जो है कि बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है। और फिर इसके नीचे जो है ना, इसके नीचे एक कपड़ा दिया गया है, सिल्क का कपड़ा है, बहुत अच्छा कपड़ा है ये। और नीचे इस टाइप का इन्होंने थोड़ा ऐसे पट्टी टाइप की लगाई हुई है, ताकि ये फूला फूला रहे, इसी वजह से। तो यहाँ पे ये चौड़ी पट्टी से लगी है इसमें। और नीचे की लेयर देखते हैं, तो यहाँ पे कैनकन डाली हुई है इन्होंने, तो ये कैनकन भी बहुत अच्छी क्वालिटी की है, और बहुत सारी कैनकन लगी हुई है, ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत सारी कैनकन है। और इसके नीचे हम देखेंगे तो इसके नीचे फिर से हमें एक अस्तर मिल जाएगा ये, ठीक है। तो ये दिया है इसका फ्लेयर बढ़ाने के लिए। तो ये इस टाइप का हैंगर में टंगा हुआ था ऐसे करके, ये ठीक है। तो ये तो था इसका लहंगा। और अभी मैं इसकी दिखा देती हूँ आप लोगों को चोली। तो चोली कुछ इस टाइप की थी क्या है। और इस पे भी कट दाने और स्टोन लगे हुए हैं, कट दाने का वर्क है, ये प्लास्टिक लीव्स लगी हुई हैं, और ये नीचे ऐसे ये लटकन टाइप के लगे हुए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, डायमंड जैसे। और यहाँ पे ये देख लीजिए इसकी स्लीव, इसकी आस्तीन मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी थी। ये आस्तीन तो मैंने लगवाई है, ये आस्तीन नहीं थी, ये वाली, ये प्लेन आस्तीन नहीं थी नेट की, सिर्फ ये वाला था, ऐसे थी ये सिर्फ डिज़ाइन था इस तरह से। तो ये जो यहाँ पे आ रहा था ना, मेरे शोल्डर के ऊपर इतना ज़्यादा गजब लग रहा था ना बहुत, लेकिन ये है ना कि हम स्लीव्स के बगैर पहन नहीं सकते हैं विदाउट स्लीव्स, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी स्लीव्स लगवा ली थी इसमें। मैंने बोला था उनको डबल स्लीव्स लगाने को, जैसे डबल नेट में, वैसे डबल नेट में ही है, लेकिन अस्तर उन्होंने नहीं लगाया, अंदर अस्तर लगा देते तो ज़्यादा ठीक लगता है ना, लेकिन खैर कोई नहीं, बहुत अच्छी लग रही थी वैसे भी ये। और यहाँ पे ये पूरा सितारा, सितारे की कढ़ाई, और नीचे स्टोन लगे हुए हैं, बहुत अच्छे वाले स्टोन लगे हुए हैं इसमें, ये देखो। है ना, और ये जो डिज़ाइन है ना आगे नेक का, ये डिज़ाइन बहुत प्यारा लग रहा था, ये ऐसा कट कट वाला। और ये जो आप लोग देख रहे हो ना, ये डिज़ाइन जो दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे अस्तर बिल्कुल भी नहीं था, ये मैंने थोड़ा सा ऊंचा लगवाया है इसको, वरना ये ऐसा ही था, सिर्फ यहाँ से ही पूरा नेट नेट वाला था नेक, तो ये अच्छा लग रहा था। और इसके बाद मैं पीछे अगर जाती हूँ, तो पीछे भी इसमें सिर्फ नेट का ही था, ये पूरा ये नेट लगा हुआ था, अस्तर मैंने इसके अंदर लगवाया है। और ये जो नेक आप लोग देख रहे हो, ये थोड़ा सा इस टाइप से मैंने नीचे से लगवा लिया, क्योंकि फिर अगर ये पूरा डिज़ाइन अगर आ जाता है ना, तो फिर ये डिज़ाइन नहीं दिखता है, फिर बेकार लगता है। तो ये पूरा नेट का था पीछे, इसमें अस्तर बिल्कुल भी नहीं लगा था, लेकिन फिर मैंने इसमें अस्तर लगवाया, उनसे बोला कि इसमें अस्तर लगा देना, तो उन्होंने जो है कि यहाँ डिज़ाइन दे दिया, थोड़ा सा नेट का डिज़ाइन आ गया गले पे पीछे, तो ये अच्छा लग रहा था।
है ना। और ये था इसका फ्रंट और ये है इसका बैक, ठीक है। इसी के साथ मैं अभी आप लोगों को दुपट्टा भी दिखा देती हूँ। तो दुपट्टा इसका जो है कि ठीक ठाक आया था, यह आया था दुपट्टा, इसमें लेस लगी हुई है इस टाइप की, ये इसमें इस टाइप की लेस लगी हुई है नोक नोक वाली, चारों साइड में ही है। और यहाँ पे ये टैसल्स लगाए उन्होंने लटकन, सिल्वर कलर में ही है। और हाँ, दुपट्टा एकदम प्लेन था, सिर्फ लेस लगी हुई थी, तो मैंने जो है कि उनसे स्टोन लगाने को बोला तो उन्होंने स्टोन लगा दिए। तो दुपट्टे की लेंथ भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, लेंथ कितनी है देखो, दुपट्टे की लेंथ भी अच्छी खासी है ये। और हम सिर पे भी रख सकते हैं इसको आराम से, इतनी लेंथ है इसकी। तो ये तो थी मेरी भाई की रिसेप्शन वाली ड्रेस, आप लोगों को कैसी लगी? आप लोगों को पता है मुझे अच्छी लग रही है, इसलिए आप लोगों ने पूछा है। अब आप लोग पूछोगे कि ये ख़रीदी कहाँ से थी, तो मैंने ये नई सड़क से ख़रीदी थी, ग्वालियर से, ईशा बुटीक नाम से उनका एक शॉप है। तो वहाँ पे वो कपड़े भी डिज़ाइन करती हैं और साथ ही में वहाँ पे डिज़ाइनर पीसेस भी रखे रहते हैं। तो अगर आप लोग को सिलेक्ट करना चाहते हैं बने बनाए में से, तो आप वो ले सकते हैं। अगर आप डिज़ाइन करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। और उन दी का नेचर जो है कि इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगा था ना, बहुत अच्छी हैं उनका नेचर। और वो सभी जगह पे डिलीवर भी करती हैं। अगर आप उनका सोच रहे हो कि अगर आप वहाँ पे जाओ और उसके बाद में अपना जो ड्रेस है डिज़ाइन करवाओ, उसके बाद में आपको वो घर पे भी डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही में इसका प्राइस आप लोग पूछो कोई तो मैं बता देती हूँ। उस टाइम पे हम लोग जब गए थे ना, तो वहाँ पे ऑफ़र चल रहे थे, डिस्काउंट मिल रहा था। तो इस ड्रेस का जो प्राइस उन्होंने बताया था ना, 18,000 रुपये बताया था, 18,000। तो फिर हम लोगों को डिस्काउंट करके ये 11,000 रुपये की पड़ी थी ड्रेस। और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और एक बार में मुझे पसंद आ गई। तो अगर आप लोग भी जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। आप लोग पूछ रहे थे इसलिए मैं बता रही हूँ, ये कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है, आप लोगों ने पूछा इसलिए मैंने बताया, ठीक है। ड्रेस कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कोई भी आपको सवाल करने हैं इस वीडियो से जुड़े, इस ड्रेस से जुड़े, तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर से अपने एक नए ब्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।